स्पिरिचुअल दुनिया में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली हमारा दिमाग की एक ऐसा हिस्सा है जो हमारी पूरी जिंदगी को चलाता है। हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, वो हम नहीं बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड लेते हैं। ओवरऑल हमारा दिमाग की असल शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। क्योंकि आप एक बार खुद सोच के देखो, आपकी बॉडी का जो परफेक्ट टेम्परेचर, भला इसे कौन मेंटेन रखता है? आपकी दिल की धड़कन को कौन चला रहा है? आपके शरीर में जो खून दौड़ रही है वो भी एकदम परफेक्ट प्रेशर के साथ, भला इसे कौन मेंटेन करता है? तो देखो, इसका एक ही आंसर है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका दिमाग का पावर हाउस है। और इस पावर को आप जिस तरीके से यूज करोगे वो हमें ऐसा ही रिजल्ट देगा। जैसे आदत, डेली रात को सोने से पहले मूवी देखना, इंटरनेट यूज करना, ये आपका एक तरह का आदत है। और लोगों को तो पता है कि आदत को आसानी से नहीं बदला जा सकता, पर लोगों को यह नहीं पता कि इसका रीज़न क्या है। दरअसल वो सभी आदत हमारा कॉन्शियस माइंड में नहीं बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसके कारण आपने शायद देखा होगा कि ऐसे कई चीज़ें हैं जिसे हम जानते हैं कि इसे हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं। क्योंकि देखो, हमारा दिमाग बेसिकली दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। और आपके दिमाग की कॉन्शियस हिस्सा वो तो लॉजिकली सोचता है, वो जानता है कि इसे आपको नहीं करना चाहिए, पर जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे तो पता ही नहीं चलता कि क्या अच्छा है क्या बुरा। वो बस चीज़ों को रियलिटी में बदलना जानता है। अगर आपने किसी बात को सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर दिया तो फिर वो उसे रियलिटी बना के ही छोड़ता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जब किसी बात को सबकॉन्शियस माइंड में फिट करने की बात आती है, तब वो ये नहीं सोचता कि क्या सच है और क्या गलत, वो बस उसे रियलिटी में लाना शुरू कर देती है। अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई अच्छा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को फिट कर सकते हो ना, तो सोचो आप क्या कुछ हासिल कर सकते हो। आपका जो भी टारगेट, जो भी एम रहेगा, उसे अचीव करने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सब कुछ करवाएगा आपसे जो जो जरूरी है। जैसे मान लो कि मेरा टारगेट, मेरा एम है एक यूट्यूबर बनना, और अगर मैं इस बात को मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कैसे भी करके भेज पाया, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड एक यूट्यूबर बनने के लिए जो जो जरूरी है, जैसे वीडियो एडिटिंग, टॉपिक फाइंड, कंटेंट रिसर्च, इन सभी को फुल एनर्जी के साथ मुझसे करवाएगा। और आपने कई बार सुना ही होगा कि सपने वो नहीं जो रात को सोते समय देखते हो, सपने वो है जो रात की नींद उड़ाती है। और एक्चुअली वो नींद और कोई नहीं बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ही उड़ाती है। क्योंकि जब सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात, कोई इन्फॉर्मेशन फिट होती है, तब वो बस उसे रियलिटी में बदलना चाहती है। वो ये नहीं देखता कि ये बात सही या गलत, वो बस कैसे भी करके उसे पूरा करने की सोचेगी, भला उसमें आपकी नींद ही क्यों ना उड़ जाए। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें अगर कोई काम एक बार फिट हो जाए ना, तो आप उसे चाहकर भी कभी भूल नहीं सकते हो। जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग करना, ड्राइविंग करना, ये सभी ऐसे चीज़ें हैं जिसे अगर आप एक बार सीख लेते हो तो आप चाहकर भी उसे कभी भूल नहीं सकते हो। क्योंकि वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है। और आपके सबकॉन्शियस माइंड खुद ही एक अलग दुनिया है, एक ऐसा दुनिया जिसे सही से एक्सप्लेन आज तक किसी ने नहीं कर पाया, एक ऐसा दुनिया जिसे समझने के लिए आपको लॉजिक के भी आगे बियॉन्ड सोचना होगा, और तब जाके आप इन सभी स्पिरिचुअल चीज़ों को समझ पाओगे। जैसे मेडिटेशन, एस्ट्रल ट्रैवल, टेलीपैथी, ये सभी स्पिरिचुअल दुनिया की एक अल्टीमेट पावर माना जाता है, जिस पावर को लेजेंडों ने सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन आज की दुनिया में हमें इन सभी चीज़ों के बारे में क्या पता? तो इसलिए अगर आप इस चीज़ों को जानना चाहते हो तो इस चैनल में बने रहना, क्योंकि इस बार थोड़ा अलग, थोड़ा मिस्ट्री से भर के स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में नया नया टॉपिक आने वाले हैं।